फ्रेंड्स, वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं वीक कुमार आज आपको सीएससी टेलीलॉ के पेमेंट के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि टेलीलॉ का जो पेमेंट है वो हर महीने की 24 से 25 तारीख तक आ जाती थी, बट जून महीने में यानी कि मई का पेमेंट जो जून में आने वाला था वो अभी तक पेमेंट रिलीज नहीं हुआ है, ठीक है। और वो कब रिलीज होगा, कैसे मिलेगा, क्या है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इनफैक्ट बहुत सारे पीडीएफ वगैरह जो अवेलेबल होते हैं मेरे पास वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं आगे फ्यूचर में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और सब्सक्राइब करने में वैसे आपको कोई नुकसान नहीं है, हाँ मेरा बेनिफिट जरूर है कि मेरी सब्सक्राइबर बेस, मेरी यूट्यूब फैमिली इंक्रीज करेगी एंड मुझे भी ग्रोथ मिलेगा एंड आपको भी नॉलेज मिलेगा, यानी कि हम दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको सीएससी टेलीलॉ के संबंधित पेमेंट कब तक आएगा मई महीने का। तो ये मैंने टिकट रेज किया था आज से 3-4 दिन पहले, ठीक है। तो टिकट रेज करने के बाद देख सकते हैं अभी जस्ट मुझे मेल आया है 10:17 पे और ये रिप्लाई टू टिकट टेलीलॉ पेमेंट नॉट रिलीज येट का जो टिकट आईडी है उसके साथ मुझे रिप्लाई आया। रिप्लाई क्या आया है कि वी आर इन प्रोसेस टू रीइंबर्स टेलीलॉ पेमेंट फॉर द मंथ ऑफ मई 21 एंड सेम विल बी प्रोसेस शॉर्टली इफ एडवाइस इनेबल्ड, ठीक है। यानी कि इसमें सिंपली उन्होंने डायरेक्टली ये बताया है कि मई 2021 का पेमेंट जो पेंडिंग पड़ा हुआ है उसका रिइंबर्समेंट का प्रोसेस चल रहा है एंड बहुत जल्द यानी होपफुली 20 तारीख से पहले पहले मई महीने का जो पेमेंट है वो हम आप सभी वीएलईस को मिल जाएगा। दूसरी चीज, जून महीने का पेमेंट जो है वो 24 या 25 तारीख तक इस महीने में आ जाएगा, यानी कि अगर आप केसेस रजिस्टर किए हैं पिछले महीने तो हो सकता है आपके दोनों पेमेंट्स 24 से पहले दोनों के दोनों पेमेंट एक साथ आ जाए, जिसमें आपका जो पीएलवी का अमाउंट होता है सैलरी 1500 रुपए वो तो आएगा ही, प्लस आपने जो केसेस रजिस्टर किए मार्जिनलाइज्ड कैटेगरी में उसका आपको पर केस के हिसाब से 30 रुपए आता है, टीडीएस कटने के बाद 29 रुपए समथिंग आता है, तो आप एक बार देख लीजिएगा चेक करके। तो यहाँ पे एक चीज उन्होंने कंफर्म भी किया है कि काइंडली मेक पेशेंस एंड कीप कंटिन्यू टू रजिस्टर केसेस टू गेट वीएलई पेमेंट, सिटीजन शुड बी रजिस्टर्ड ओनली रिलेटेड टू मार्जिनलाइज्ड कैटेगरी, वी आर नॉट पेइंग फॉर जनरल कैटेगरी। यानी इस टिकट में इन्होंने ये चीज भी कंफर्म कर दिया कि अगर आप कोई जनरल केस रजिस्टर करते हैं तो उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं मिलेगा, कोई पैसा नहीं मिलेगा। जनरल कैटेगरी में जो भी केसेस आप रजिस्टर करेंगे उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है कि जो कस्टमर को रजिस्टर करना है कस्टमर से आपको 30 रुपए लेना है, ठीक है। बाकी आप एससी एसटी वोमेन कैटेगरी में या फिर पीपल विद लो इनकम ग्रुप कैटेगरी में, ये टोटल 12 कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज के बारे में एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा। उन कैटेगरीज के अंतर्गत अगर आप कोई भी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो मार्जिनलाइज्ड कैटेगरी के अंतर्गत आता है एंड उसके लिए आपको पर केस पे 30 रुपए एडिशनल मिलेगा, यानी जो 1500 रुपए पीएलवी का पेमेंट है उसके अलावा आपको 30 रुपए पर केस के हिसाब से एक्स्ट्रा मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी टेलीलॉ से संबंधित, इसलिए मैंने सोचा आप सभी को बता देना चाहिए इस चीज के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।